नमस्कार, मैं हूं यूसुफ अली। आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। इस समय की एक बड़ी खबर, पालघर जिलाधिकारी कार्यालय से एक निकला आदेश, काफी अहम आदेश। दोस्तों आपको बता दें, इस समय कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन जो देश दुनिया में फैल रहा है और भारत में भी उसके ओमिक्रॉन के 2 पेशेंट आने की पुष्टि हो चुकी है अब तक। इसमें प्रशासन हर तरह से देश को बचाए रखने के लिए प्रयास कर रहा है। इसी प्रयास के बीच में आज पालघर जिलाधिकारी कार्यालय से एक जो आदेश निकला है, बड़ा अहम आदेश है। दरअसल पालघर जिलाधिकारी कार्यालय से कुल 51 विभागों को अलग अलग यह पत्र जारी किया गया है, जिसके विषय वस्तु में लिखा गया है, 51 विभाग जो पालघर जिलाधिकारी कार्यालय के मातहत काम करते हैं, उनमें मुख्य कार्यकारी अभियंता, जिला परिषद पालघर, पुलिस अधीक्षक पालघर, इस तरह से 51 विभागों को यह पत्र जारी किया गया है। और इस पत्र में विषय वस्तु में लिखा गया कोविड-19 के लसीकरण बाबत। उसके बाद जो इसमें समरी है वो काफी अहम है। मराठी में लिखी गई समरी, उपरोक्त विषयांच्या अनुषंगाने कळविण्यात येते की कोविड-19 चा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता सर्व नागरिकांनी लसीकरणाचे 2 ही डोस पूर्ण होणे आवश्यक आहे। याबाबत शासनाने वेळोवेळी सूचना दिलेल्या आहेत। त्याकरिता आपल्या अखत्यारीतील कार्यरत असलेल्या सर्व अधिकारी कर्मचारी यांचे कोविड लसीकरणाचे 2 डोस दिनांक 31/12/2021 पर्यंत पूर्ण करण्याबाबत सर्व संबंधितांना सक्त सूचना देण्यात यावे। ये जो पैरेग्राफ मैंने पढ़ा, इसका हिंदी अनुवाद ऐसा है कि 31 दिसंबर तक आपके मातहत जितने लोग हैं, उनका कार्यालय के लोग हैं, उनका दोनों ही वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए। ये आदेश है इन 51 विभागों को। फिर नीचे इसमें एक पैराग्राफ और भी लिखा हुआ है, ज्या अधिकारी कर्मचारी यहां से कोविड लसीकरण से 2 डोस माह दिसंबर अखेर पर्यंत पूर्ण होना नहीं, त्या संबंधित अधिकारी कर्मचारियों के डिसेंबर महीना के वेतन अदा करण्यात येऊ नये। अपवादात्मक परिस्थितील कार्यालय मुख्या प्रमुखांनी निर्णय घ्यावा। तसेच सर्व अधिकारी कर्मचारी यांचे कोविड लसीकरणाबाबत 2 डोस पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करून द्यावेत। वेतन बिल तयार करताना आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी कार्यालयातील सर्व अधिकारी कर्मचारी यांचे कोविड लसीकरणाचे 2 डोस पूर्ण झाल्याबाबतचे प्रमाणपत्र प्रमाणित करावे। इस पैराग्राफ का मतलब है कि जिन अधिकारी कर्मचारियों ने दूसरा दोनों डोज वैक्सीनेशन के नहीं लिए, उनकी दिसंबर की पगार रोक दी जाएगी। और इतना ही नहीं, आगे यहां भी यह भी लिखा हुआ है कि अपवाद में जिसको विशेष रूप से डॉक्टर ने किसी ने मना किया हुआ है, जो लोग नहीं ले सकते हैं कोविड वैक्सीनेशन, जिसको लेने के लिए मनाही है, उनके लिए उनके कार्यालय के जो प्रमुख है वो निर्णय लेंगे कि उनको लेना है या नहीं लेना है। जिनकी भी इसमें वरिष्ठ डॉक्टर की या जो परिस्थिति है उसको जांच पड़ताल करके, उसके बाद में फिर ये लिखा हुआ है कि दोनों डोज पूरे होने के बाद में सभी को दोनों डोज के प्रमाण पत्र, जो प्रमाण पत्र आज रेलवे में हर इंसान लेके जा रहा है रेलवे में और कहीं भी, उस तरह के दोनों डोज के प्रमाण पत्र रखना आवश्यक होगा। और वो बिल, उनके पगार का जो बिल पास होगा उसमें वो दिखाना होगा, तभी जाके उनको पगार मिलेगी। यानी कि कहने का मतलब, अब पालघर जिला प्रशासन जो है इस मामले में काफी सख्त हो चुका है। आने वाले समय में इस तरह की सख्ती आम आदमी के साथ भी होने की संभावना पूरी है। और इस वीडियो के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि अभी जो देखा जा रहा है ओमिक्रॉन का प्रभाव उन लोगों के ऊपर नहीं है जिन लोगों ने 2 वैक्सीनेशन के 2 डोज लिए। इसके लिए हर एक को दोनों डोज लेने, बहुत जल्दी ले लेने चाहिए अपने दोनों डोज। जिन्होंने अब तक कोविड वैक्सीनेशन नहीं लिए वो जाए और वो अपना वैक्सीनेशन कराए। हालांकि कुछ लोग अभी जागरूक हुए हैं और अभी कोविड वैक्सीनेशन के लिए लोगों में एक बार फिर से जागरूकता आई है, लेकिन उसके बावजूद भी जिनका अभी तक कोविड वैक्सीनेशन नहीं हुआ है वो कोविड वैक्सीनेशन पूरा करे। आने वाले समय में बीमारी से बचने के लिए वैक्सीनेशन काफी आवश्यक है। और वहीं इस तरह से शासकीय मामलों में भी वैक्सीनेशन नहीं होगा तो कहीं अड़चने आने की संभावना है। तो आज के लिए ये अपडेट, अहम अपडेट थी।
वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों तक जो अहम अपडेट लोगों तक पहुंचे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।